इसमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब ये सोचिए कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स का ग्राफ, हालांकि ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये एंगल आपका पाई बाई टू हो गया, ये क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, ये रेंज होती है साइन इनवर्स की वाई, और ये हो गया आपका एक्स हो गया। अब देखिए ये आपका क्या दिया गया है 1/2, तो 1/2 कहीं आपका ये 1 है, ये माइनस 1 है, तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये 1/2 या साइन किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो इस 1/2 को हम साइन ऑफ पाई बाई 3 लिख देंगे। आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग इसे इस तरह से, टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स, और साइन ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, बशर्ते प्रिकॉशनरी स्टेप होती है कि थीटा क्या उसकी रेंज में आता है या नहीं आता है। तो पाई बाई 6 जो है वो पाई बाई 6 यहाँ पे है, जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। इसका मतलब हम साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका कॉस ऑफ ये हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ओनली पाई बाई 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो ये पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 कितना हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स ऑफ 2 × 1/2, ठीक है, क्योंकि ये कॉस 60 की वैल्यू है। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका टेन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो टेन इनवर्स आपका ये 1 है, और टेन इनवर्स 1, अब 1 को सोचिए, 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है टेन में, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए टेन इनवर्स ऑफ टेन, 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना, रेडियन में प्लेस किया करिए हमेशा। ये कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, थीटा होता है, बशर्ते ये थीटा उसकी क्या आना चाहिए रेंज में आना चाहिए, तो ये आ गया आपका आंसर पाई बाई 4, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। उस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, है ना, हमने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया था।